द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो ये शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम को 7 बजे हम लोग आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, जिन्हें भैया गणित से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनके डर को खत्म करने के लिए ये प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ उद्देश्य बनाए हैं, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य है कि भैया गणित हमें सीखना है, गणित रट्टा नहीं मारना है। सामान्य ज्ञान की तरह जो सारे प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को हमें रट्टा नहीं मारना है, गणित सीखने का विषय होता है, उसको आप सीखिए, कॉमन सेंस का प्रयोग करिए, बहुत सारे प्रश्न आपके कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो सारे प्रश्नों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और इसके साथ साथ हमें कुछ ट्रिक भी आना चाहिए जिससे हम लोग प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर सकें। तीसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि आपका जो पेपर होता है उसमें 3-4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कब कर पाएंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थोड़ी बहुत आपको ट्रिक भी आती होगी और मैथ को आपने बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। ध्यान दीजिए, रटना नहीं है, सीखना है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए हमें सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी अध्यापक बनना है। कुछ भी हो जाए, चाहे सुपर टेट क्वालिफाई करिए, चाहे DSSB क्वालिफाई कीजिए, KBS, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, कोई भी आप एग्जाम क्वालिफाई करिए, आपको सरकारी टीचर ही बनना है, क्योंकि टीचिंग की जॉब बहुत ही बेहतरीन और रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। पिछली भर्ती से हम भी सिलेक्ट होके आए हैं, लगभग 2.5 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं और लगभग पढ़ाने का 10 से 12 सालों का अनुभव है, तो एक बेहतरीन अनुभव है। आप लोगों के साथ इस अनुभव को हम शेयर करेंगे और बेहतरीन से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो प्रश्न सॉल्व करेंगे वो हमारे किसके प्रॉफिट और लॉस के प्रश्न हैं, तो लाभ और हानि के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं, आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न हैं ये आपके अनेक परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे रेलवे है, SSC है, UP SSC है, पुलिस भर्ती है, इन सारी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इन प्रश्नों को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य 75 रुपये तथा 10 किलो चीनी का जो क्रय मूल्य है वो 180 रुपये है, तो उनको आपस में मिला दिया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ और हानि, लाभ हो गया या हानि हो गया, यही हमें निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। तो क्रय मूल्य देख लेते हैं, क्रय मूल्य उसने पहले 5 किलो चीनी का क्रय मूल्य 75 रुपया है और फिर ये 80 रुपया है। ठीक है, तो 75 रुपये और 80 रुपये, ये दो प्रकार की चीनियाँ हैं, ये 5 किलो है और ये है 10 किलो, तो कुल मिला के उसका खर्चा कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसको जोड़ दीजिए, तो 180 में 75 जोड़ेंगे तो भैया 255 है, तो 255 रुपये उसका खर्चा हुआ, कुल 15 किलो उसके पास चीनी है। बेचा किसने, यानी सेलिंग प्राइस, SP सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में, उसने 300 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका 15 किलो ही बेचेगा, इसलिए उस 15 किलो से हमारा कोई खास मतलब नहीं है, और हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आप लोग इसका निकाल दीजिए। कहने का मतलब है ये जो 5 किलो है और यहाँ पर जो 10 किलो है, इसका आपको गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लाभ निकाल दीजिए, 255 रुपये की चीज को 300 रुपये में बेच रहा है, स्वाभाविक सी बात है 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ से होता है, क्रय मूल्य से होता है, कितना है, 255 रुपये है, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं किससे, एक मिनट पेन कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर में लेके आते हैं, 9 से 5 से कैंसिल करते हैं, 9 बजे 45 हो जाएगा और ये 5 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा और कुछ कैंसिल आउट होगा, हाँ 3 से 3 3 का 9 और 3 एकम 3 3 7 1 81, यानी कि आपका ऊपर बचा 3 और 2 0 और नीचे कितना बचा है आपका 17 17 के फिर भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 17.65, गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं 17.65 कहाँ पर है, विकल्प बी है, विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा प्रश्न है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करनी थी, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि जितना वो खरीद रहा है उतना ही बेच रहा है, यानी कि इस 5 किलो का और इस 10 किलो का हमें कोई विशेष मतलब नहीं था। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पर आ चुके हैं। किसी दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने ₹1.5 के हिसाब से खरीदे हैं और 10 खिलौने उसके टूट जाते हैं, तो आगे बढ़ना है, उसने शेष खिलौने ₹2 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? थोड़ा सा गुणा भाग करना है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आसान है। तो चलिए कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, उसका खर्चा कितना होगा, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। तो 20 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो उसका टोटल उसने कितना खरीदा है, 12 और 20 का गुणा कर देंगे तो कहाँ लिखें, चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो टोटल उसने कितना खरीदा है, 12 दून 24, यानी 240 खिलौने खरीदे हैं। तो टोटल कितने खिलौने खरीदे, 240, किस हिसाब से खरीदे, ₹1.5 के हिसाब से खरीदे। तो टोटल उसका खर्चा कितना आया है, इसका आप गुणा गुणा करना है, गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो आपका आएगा ₹360। ठीक है, 15 का है, पकड़ा ही पढ़ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस से पहले 10 खिलौने उसके टूट गए, 240 उसके पास थे, 10 टूट गए, तो बचा कितना, 230 बचा। उसने एक खिलौना ₹2 के हिसाब से बेचा है, तो ₹2 के हिसाब से अगर एक खिलौना बेचेगा तो 230 खिलौने ₹460 में बेचेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्रय मूल्य, नीचे वाला विक्रय मूल्य आपका निकल आया। तो अब आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितने रुपए का लाभ हो रहा है, ₹360 की चीज को ₹460 में बेच रहा है, यानी कि ₹100 का लाभ हो रहा है। जो प्रॉफिट होता है उसे ऊपर लिखते हैं, क्रय मूल्य कितना है 360, उसे नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट जो लाभ होता है वो हमारा निकल आता है, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 0 से यहाँ, और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैसे कैंसिल करें, 4 से करते हैं, 4 9 36, और ये हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 250, और नीचे बचा है 9, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आप 9 का भाग करना है, 9 का भाग तो आप पहले लेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी, 27.77% आपका आंसर आएगा, 9 दुनिया 18, इस तरह से भाग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य के साथ सारे प्रश्नों को देखिएगा, बोर मत होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, भैया आप आसान प्रश्न कराते हो, तो आज आसान प्रश्न नहीं लाए हैं, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लाए हैं, ठीक है। जीवा ने एक वस्तु 2500 में खरीदी, अच्छी बात है, और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी 25% का उसने लाभ लिया है, ₹125 का उसने टैक्स दिया, ये जो टैक्स होता है ये क्रय मूल्य में ही जोड़ता है, ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो कर अदा करने के बाद उसका लाभ कितने रुपए में था, ये हमें निकालना है, चलिए अच्छी बात है। तो 13 नंबर के प्रश्न में देखो, उसी कॉस्ट प्राइस कितनी है, क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस ₹2500 है, ठीक है, और हाँ क्या करें, किस हिसाब से करें, चलो ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, कहाँ पर लिखे हैं, अच्छा ये चलो ठीक है, इसके असल में हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, किसी भी प्रश्न के सॉल्व करने के 3 4 तरीके होते हैं, तो किस तरीके से प्रश्न को बताया जाए यही दिमाग में चलता रहता है। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है, इस चीज को हमेशा जानते रहिए। जो सेलिंग प्राइस होता है वो 25% के लाभ पर बेच रहा है, तो अगर प्रतिशत में बात करें तो 25% का लाभ 100% में 25% का लाभ लेगा, तो आपकी सेलिंग प्राइस 125% हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी क्या कीमत है वो हमें अभी नहीं पता है। तो अपने बाहुबली मेथड से अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो क्या करेंगे, जो हमारा रुपया होता है इसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी कि क्रय मूल्य जितना है उसे ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य का जो परसेंटेज होता है उसे नीचे लिखते हैं, दूसरा जो हमें निकालना होता है उसको गुणा कर देते हैं, निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना है 125, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा, ये वाली कीमत हमें निकल के आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 से कैंसिल करते हैं, ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ चलिए एक कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो इस पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा करते हैं, चलो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ये 2 0 करते हैं, 5 5 25 हो जाएगा, हाथ लगाएगा 2 5 2 10, 10 2 हो जाएगा 12, नीचे रहेगा 4 4 का इसमें भाग करते हैं, 4 के अंक हो जाएगा 12 और 4 1 4 और 4 2 8 और 4 5 20, ये इतना रुपया आपका क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, लेकिन आप ध्यान से बात को समझिएगा, इतने रुपए में उसने बेचा है, ₹3125 में उसने बेचा है, लेकिन
अब यहां पर बात समझिए, उसका जो क्रय मूल्य था 2,500 रुपया था। अब प्रश्न पूछ रहा है कि अगर वो 125 रुपया अपना टैक्स दे दे तो बताइए उसको कितना रुपया लाभ होगा। तो अगर 125 रुपया टैक्स दे देगा तो ये क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। तो इस प्रकार से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2,625 इतना रुपया उसका क्रय मूल्य पड़ेगा टैक्स देने पर। ठीक है, तो अब हमारा क्रय मूल्य 2,625 रुपया है, विक्रय मूल्य 3,125 रुपया है, लाभ कितना हो रहा है घटा दीजिए विक्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य घटा दीजिए तो 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा, यहाँ पर 1 और 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। कुल मिला के आपका 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 500 रुपये का प्रॉफिट आपके विकल्प डी में है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा, समझाने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, किस तरीके से समझाया जाए कैसे बताया जाए। एक प्रश्न के एक ही तरीका नहीं होता भैया, बहुत सारे तरीके होते हैं, पहले से तो रट के आते नहीं कि इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कराना है, जो सामने आ जाता है उसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और ये भी बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। एक दुकानदार 2,000 रुपए के जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब उस पर जो छपा रहता है, किसी भी वस्तु पर जो मूल्य छपा होता है उसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। तो लाभ और हानि में 3 तरीके के मूल्य होते हैं, एक क्रय मूल्य होता है जिस पर खरीदा जाता है, एक विक्रय मूल्य होता है जिस पर बेचा जाता है, और एक अंकित मूल्य होता है जो वहां पर छपा रहता है। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कुछ ना कुछ छूट दे देता है, जैसे मान लीजिए उस पर लिखा है 500 रुपया, हमने कहा भैया कुछ छूट दे दो यार, तो उसने 50 रुपये का छूट दे दिया, तो 450 रुपये में जो चीज बिकती है वो हमारा विक्रय मूल्य हो गया 450, अंकित मूल्य जो उस पर छपा था यानी 500 रुपया हो गया। ठीक है, और क्रय मूल्य तो दुकानदार ही जानता है उसका कितना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पढ़ते हैं, 2,000 रुपये की कोई चीज है उसको 10% और 15% की छूट पर खरीदता है, 70 रुपये पैकेजिंग पे खर्च करता है, तो उसका ही क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करता है 2,000 रुपये में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस तो साफ साफ आपका लिखा है भैया 2,000 रुपया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2,000 रुपये में वो खरीदता है लेकिन उस पर पहले 10% की छूट लेता है, कोई भी चीज यहां से समझिए, कोई भी चीज 100% होती है, जब उस पर 10% की छूट लेगा तो उस चीज कितनी हो जाएगी 90% की हो जाएगी। फिर ये क्रमिक छूट ले रहा है, 15% की और छूट लेगा यानी कि उसकी कीमत, कोई भी चीज 100% होती है, 15% की छूट के बाद 85% हो जाएगा, और उस पर खर्च कितना करता है 70 रुपये खर्च करता है, यानी कि कितना सब सॉल्व करने के बाद 70 इसमें जोड़ देना है। ठीक है भैया, चलिए सॉल्व करें, चलो सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 90 है, यहाँ आपका परसेंटेज निशान हटेगा नीचे 100 आएगा, यहाँ ऊपर 85 है, परसेंटेज निशान हटेगा नीचे 100 आएगा, जितना भी आएगा उसमें भैया 70 हमें जोड़ना है, ये 2 0 2 0 खांसी बहुत आ रही है, कभी कभी मन खराब हो जाता है, ये 2 0 2 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी क्या किया जाए। चलो आगे बढ़े, इस 85 का पहले 2 में गुणा कर दिए तो 8 16 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, वही 9 रहेगा, जितना भी आएगा इसमें हमें 70 ऐड करना है, 9 का पहाड़ा पड़ 17 का 9 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 153 होगा, और प्लस के 0 और प्लस के 70 इसमें जोड़ना है, कुल मिला के आपका कितना आ जाएगा 1,600 रुपये आ जाएगा। 1,600 उस वस्तु को खरीदने पर उसने खर्च किया है, 2,000 की कीमत थी, 10% पहले छूट मिली, फिर 15% फिर छूट मिली, और इतना करने के बाद 70 रुपया वो और खर्च करता है पैकेजिंग पे, तो कुल मिला के 1,600 रुपया इसका खर्च आएगा। बेच कितने में रहा है 2,000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 2,000 रुपये में बेच रहा है, 1,600 रुपये में खरीदा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो अगर हमें लाभ परसेंट निकालना है तो 1,600 रुपये की चीज को 2,000 में बेचेंगे तो 400 रुपये का सीधा सीधा लाभ होगा। क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, तो ये आपका 4 बार कटेगा, 4 से वो 500 जो है वो 25 बार कटेगा, तो कुल मिला के आपका 25% आंसर रहेगा, कहां पर है 25%, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है।
ठीक है, कोई यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसके बहुत इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे सभी लोगों को समझ में आ जाए क्या इसमें होगा, कैसे होगा। ठीक है, देखो तीन बोतल हैं और प्रत्येक के हिसाब से, यानी एक बोतल कीमत 250 रुपया है उसने खरीदा है, तो तीन बोतल 250 रुपये के हिसाब से खरीदेगा तो टोटल उसका खर्चा कितना रहेगा, 750 रुपये रहेगा। ठीक है, एक बोतल 250 रुपये की, तीन बोतल 750 रुपये की। उसने एक बोतल को 10% हानि पर बेच दिया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एक बोतल कीमत कितनी थी, 250 रुपये थी, तो एक बोतल एक तरफ रखना है, बाकी दो बोतल यानी कि 500 रुपये वाली बोतल एक तरफ रखना है। तो एक बोतल उसने जो बेचा है वो 10% की हानि पर बेचा है, तो 250 का 10% कितना होता है, माइनस की 25 रुपये की उसे हानि पर बेच दिया है। ठीक है, आगे बढ़े, पेन का कलर पहले चेंज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो पूरे सौदे पर उसे 16% का लाभ चाहिए, पूरे सौदे पर उसे 16% का लाभ चाहिए, पूरा रुपया उसका कितना खर्चा है, 750। तो 750 का अगर हम 16% निकालें कितना होता है, परसेंटेज में हटाएंगे नीचे आएगा 100, 25 से कितना करेंगे, 25 चौके 100 और 25 की 75, और यहाँ 4 चौके 16 और कितना हो जाएगा 120। तो कुल मिला के अगर हम इसका कितना चाहिए था, 16%, 16% निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 120 रुपया आ रहा है। तो कुल उसे कितना चाहिए भैया, 120 रुपया चाहिए। दुकानदार को 120 रुपये से मतलब है, प्रॉफिट कितना चाहिए, 120 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 750 रुपये पर 120 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 750 रुपये उसका खर्चा आया है। लेकिन जब उसने बेचने गया तो पहली जो बोतल बेची वो तो भैया घाटे में बेच दी, कितना, 25 रुपये पे घाटे पे। तो स्वाभाविक सी बात है जो दूसरी वाली दो बोतलें हैं वो कितने रुपये में बेचेगा, टोटल उसे 120 रुपया चाहिए, तो टोटल उसे 120 रुपया चाहिए, तो 25 रुपया तो पहले से ही उसे घाटा हो गया। यानी कि अगर दूसरी वाली दोनों बोतल 145 रुपये में बेचेगा तभी तो उसका 120 रुपये का फायदा होगा। कॉमन सेंस समझो, जब एक बोतल 25 रुपया चला गया, दूसरी दोनों बोतल 145 रुपये में बेचेगा, तो 145 में से जब 25 घट जाएगा तभी तो हमारा कितना बचेगा, 120 बचेगा, यानी 120 का उसका टोटल फायदा होगा। इस चीज को आप दुकानदार बन के सोचिए, स्टूडेंट बन के मत सोचिए कि पहले में आपका 25 रुपये घाटा हुआ, अब अगले में आपको ज्यादा फायदा लेना है, आपने 145 रुपये में बेचा तो 25, 145 रुपये थोड़ी फायदा हो गया, क्योंकि 25 रुपये तो पहले से ही घाटा करके बैठे हो, तो 145 में पहले 25 माइनस हो गए यानी बचेगा 120, तो आपका टोटल प्रॉफिट 120 रुपया होगा, तो 120 रुपया हमें प्रॉफिट चाहिए ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुल कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 145 रुपए में बेचना पड़ेगा। 100 कितने रुपए की क्रय मूल्य की, 500, 500 रुपए की चीज पर आप कितना फायदा ले रहे हैं, 145 रुपए का फायदा ले रहे हैं। फिर से समझिए, 500 रुपए की चीज पर कितना फायदा ले रहे हैं, 145 रुपए का फायदा ले रहे हैं। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 500 रुपए की चीज पर 145 रुपए का फायदा जब लेंगे तो लाभ जो होगा वो ऊपर लिखेंगे, जो कितने रुपए फायदा ले रहे हैं, कितने क्रय मूल्य पर, 500 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 10 और 5 9 हो जाएगा 45, यानी 29% आपका आंसर रहेगा, विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के 4 5 मेथड होते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल कॉमन सेंस के तरीके से आपको बेसिक मेथड बताया है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं सामने, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बता देंगे, इसमें सिर्फ गुणा भाग ही करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा भाग करना है। ठीक है, गुणा भाग आप करिएगा बैठ के, हाँ जोड़ना घटाना गुणा भाग इन सारी चीजों से आप मत डरिएगा। ठीक है, क्योंकि आप करिए, अभी पेपर देने थोड़ी जा रहे हैं, अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपका जोड़ना घटाना गुणा भाग मजबूत होगा। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए ब्रांड की 252 रुपये प्रति किलो चाय है, बी ब्रांड की 280 रुपया प्रति किलो चाय है, और सी जो कैटेगरी है उसकी 316 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम बेचते हैं। अब वर्ष के अंत में उसने पाया कि जो ए ब्रांड है उसमें 274
किलोग्राम बच गया, बी में 197 किलोग्राम बच गया, सी में आपका 54 किलोग्राम बच गया। उसने क्या किया, तीनों को मिला दिया और तीनों को मिलाकर उसका एक रेट यानी कि कितने रुपए हिसाब से बेचा, 283.50 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है या तो लॉस हो रहा है, ये हमें निकालना है, परसेंटेज में नहीं निकालना है, रुपए में ही निकालना है। तो चलिए ए ब्रांड की बात करते हैं। ए ब्रांड में कुल उसका कितना बचा था, ये है 274, कुल कितना बचा है 274 किलोग्राम बचा है और एक किलोग्राम की कीमत कितनी है, ये सबसे ऊपर लिखा है 252, 252। अब इसे गुणा करना भैया, 274 किलोग्राम बचा है, एक किलोग्राम की कीमत 252 रुपया है, तो टोटल कितना रुपया होगा, इसे गुणा ही तो करना पड़ेगा। तो गुणा भैया आप लोग कर लीजिएगा, हमने यहाँ पर आपको बता देते हैं कितना आएगा, कितना रुपया आ जाएगा, ठीक है, 6,09,048 रुपया। अब बी ब्रांड की बात करते हैं, इसमें से गुणा भाग करना और प्रश्न में कुछ है नहीं। बी ब्रांड में कितना बचा है, 197 किलोग्राम बचा है, ठीक, एक किलोग्राम की कीमत कितनी है, 280 रुपया। तो 280 का गुणा करेंगे तो हमारा कुल कितना रुपया होगा, ये निकल के आएगा और ये निकल के आएगा आपका 5,05,160, ठीक है। आप सी ब्रांड की बात करते हैं, सी ब्रांड में कितना बचा है भैया, 54 kg बचा है, 54 kg बचा है, एक केजी की कीमत कितनी है, 316 रुपया है। तो 316 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,064, ये आपका आंसर आएगा, रुपया आएगा। तो टोटल उसका जो खरीदने वाला रुपया था यानी उसके पास जितना रुपया था वो आपका निकल आएगा इसको जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो 1,41,200 आपका कितना आएगा, 72 रुपया, ठीक है। ये आपका टोटल क्रय मूल्य निकल के आएगा यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल के आएगी। अब आप सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में कुल कितने किलोग्राम, सेलिंग प्राइस की कीमत कितनी है, 283.5 और कुल कितने किलोग्राम है, देखिए ए बी सी कुल कितने किलोग्राम थे जोड़ना पड़ेगा। तो ए का कितना था, 274 था, बी का कितना था, 197 था और सी का कितना था भैया, सी का 54 था। इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ के आपको इसमें गुणा करना है। तो भैया चलो बता देते हैं हम आंसर कितना आएगा, 148 और 837 और 0.5, ये इतना रुपया आएगा। आप लोग बोर हो रहे होंगे लेकिन क्या करें, सवाल है तो करना पड़ेगा ही, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस हो गया, आपको लाभ निकालना है, लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए। टोटल क्रय मूल्य हमारा 1,48,000 है, इसमें से 1,41,252 आप घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 7,565, ये आपका और 0.5, ये आपका आंसर रहेगा। हाँ, आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर ये प्रश्न जरूर सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जब गुणा भाग करेंगे ना तब आपको मजा आएगा कि गुणा होता क्या है, भाग होता क्या है। भाग तो नहीं करना है इसमें, गुणा ही करना है, जोड़ना है और गुणा ही करना है, करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो वीडियो पॉज करके कॉपी पेन लेकर आप बैठे हो तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने है। अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने पर एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिकता है। देखिए जब हम दुकान पे कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो वहाँ तीन चीज़ें होती हैं, तीन प्रकार के मूल्य होते हैं। एक क्रय मूल्य होता है जो कि दुकानदार को पता होता है कि हम इसको कितने में खरीद के लाए हैं, एक विक्रय मूल्य होता है जो कि दुकानदार उस पर बेचता है और एक होता है अंकित मूल्य। होता क्या है कि जब हम दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए कोई 1,000 रुपये की चीज़ है तो हम कहते हैं भैया कुछ छोड़ दो, भैया इतनी दूर से आए हैं कुछ छोड़ दो, तो वो मान लीजिए 50 रुपये का उसने कंसेशन कर दिया, 950 रुपये में हमें दे दिया। तो जितने में दिया है 950 रुपये वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, जो उस पर छपा था यानी 1,000 रुपये छपा था वो उसका अंकित मूल्य होता है। तो दुकानदार को किससे मतलब होता है, दुकानदार को इन दोनों से मतलब होता है कि हमें कितने में बेचना है और कितना हमारा प्रॉफिट होगा। ग्राहक को किससे मतलब होता है, ग्राहक को इससे मतलब होता है, अंकित मूल्य से और विक्रय मूल्य से। तो ग्राहक को क्रय मूल्य थोड़ी ना पता होता है कि दुकानदार कितने में खरीद लाया है, ग्राहक ने तो गया देखा भैया 1,000 रुपये की चीज है, उसने कहा भैया कुछ छोड़ दो, तो उसने 950 रुपये छोड़ा, 950 में दे दिया। तो ग्राहक को अंकित मूल्य पता था, उसको भी
खुशी हो गई भैया 50 रुपए की छूट मिल गई। तो ग्राहक को इन दोनों मूल्य से मतलब होता है और दुकानदार को पहले और दूसरे मूल्य से मतलब होता है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको इसी से आपका प्रश्न सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए, अंकित मूल्य को हम लोग क्या माने, अंकित मूल्य को कुछ भी एक्स वाई जेड मान लो, अंकित मूल्य को वाई मान लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य को हम लोग कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ यहीं पर सॉल्व करते हैं, अंकित मूल्य वाई है। वाई हाँ, पर जब 40% की छूट देंगे तो कोई भी चीज कितनी होगी, 100% की होती है। जब 40% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य बन जाता है, यानी कि 60 रुपए में वो चीज बिक जाती है, यानी कि ये हमारी विक्रय मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब है, दुकानदार कुछ भी उसमें अंकित मूल्य उसने लिखा होगा, जिसको हमने वाई माना है, वाई का कोई भी चीज 100% होती है, जब 30-40% छूट देगा तो वो 60% उसकी वैल्यू रहेगी, तो यानी कि वो बेचने वाली कीमत के बराबर आ गया। वो बेचने वाली कीमत प्रश्न में दिया है 600 रुपया, यानी कि 600 रुपये के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई मल्टीप्लाई वाई यहाँ पर 60, और नीचे आपका 2 जीरो आ जाएगा, परसेंटेज निशान हटाने से 100 का भाग होता है। यहाँ पर आपका 600 है, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, वाई बराबर कितना आ गया, 100 का त्रिकोणा करेंगे तो 1 जीरो पहले से है, यानी कि 1000 रुपया। तो विक्रय मूल्य आपका 1000 रुपया आ गया। अब दुकान, ये हो गया ग्राहक का। अब दुकानदार की बात करते हैं, दुकानदार को क्रय मूल्य से ही मतलब था। दुकानदार को किससे मतलब था, अपने क्रय मूल्य से मतलब था। 1 मिनट, हाँ। तो क्रय मूल्य हमने एक्स माना है, ठीक है। जैकेट पर 20% का लाभ होता है भैया, जो लाभ होता है वो दुकानदार से मतलब होता है, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, जो छूट होती है वो ग्राहक से मतलब होती है। तो लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमने एक्स माना है, कितना लाभ हो रहा है, 20%। तो कोई भी चीज 100% होती है, जब 20% का लाभ होगा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 120%। 120% कीमत हो जाएगी, यानी कि वो विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, ठीक है। तो कोई भी चीज 100% होती है, 20% का लाभ से उसका कीमत 120% हो जाएगी, यानी कि वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगी। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है क्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ 20 रहेगा, यहाँ नीचे आपका 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर आपका कितना है, 60 है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 120 का 5 बार ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, अभी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है। दोनों चीजें आपको निकालना बता दिया, बिल्कुल कॉमन सेंस से सॉल्व किया। इसमें बहुत सारे फार्मूले भी लगते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, इन फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। अपने कॉमन सेंस से थोड़ा सोचिए कि दुकानदार क्या होता है, ग्राहक क्या होता है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि वह अंकित कीमत पर बेचता है, यानी अंकित मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होता, यानी कि 500 रुपये, 500 रुपये की चीज है, क्रय मूल्य 500 रुपया है, अभी वो बेच रहा है कितने में रहा है, 600 रुपये में रहा है, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि अगर वो अंकित मूल्य पर बेचे, और अंकित मूल्य कितना हमें निकाला है, 1000 रुपया, 1000 रुपये में बेचेगा तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो साफ साफ आपका दिख रहा है, 500 रुपये की चीज को 1000 रुपये में बेचोगे तो 500 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ ऊपर लिखिए और क्रय मूल्य नीचे लिखिए, जो कि 500 रुपया ही है, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा। 100% कहाँ है, विकल्प सी में है, ठीक है। तो देखने से आपको प्रश्न थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है, कॉमन सेंस से सॉल्व किया गया है। कोई इसमें ट्रिक ट्रिक लगाने की और कॉम्प्लिकेटेड मेथड लगाने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इतने सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों के बाद एक देखिए प्रपुंजिया सा क्वेश्चन आ गया है। दो क्रमिक छूटें यहाँ पर दी जा रही हैं, पर क्रमिक छूट नहीं है। एक बार वस्तु का मूल्य बढ़ाएगा फिर घटाएगा। व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और 5% की छूट देता है। यानी कि व्यापारी क्या कर रहा है, पहले उसने अपना जो सामान था वो उसका दाम बढ़ा दिया और फिर घटा दिया, यानी क्रमिक ये काम कर रहा है। तो जब क्रमिक हम लोग काम करते हैं, यानी क्रम से कोई परसेंटेज में चेंजिंग करते हैं, तो वहां पर यही वाला फार्मूला अप्लाई होता है। जहां पर एक्स पहला परसेंटेज है, ये ज्यादा कर रहा है, ज्यादा मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू प्लस में रहेगी। और ये छूट दे रहा है, छूट का मतलब कम करना, यानी वाई की वैल्यू अगर 5 है तो छूट दे रहा है और ये वैल्यू आपकी माइनस में रहेगी। चलिए लिख देते हैं, 20 माइनस के वाई है 5, यहाँ प्लस माइनस है तो जब गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, और 20 गुणे 5, और यहाँ नीचे रहेगा अपना 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा 1, और इसमें बचागा कितना, 20 में से 5 जाएगा, बचेगा अपना 15, और 15 में 1 जाएगा, बचेगा अपना 14। तो 14% आपका आंसर आएगा। यहाँ पर
जो सॉल्व करके आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, यानी कि आपका वृद्धि होगी, कुल मिला के वृद्धि ही होगी। तो आपका कितना रहेगा? हाँ, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पर जो 19 नंबर का प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको आराम से समझिएगा। प्रश्न पढ़ लीजिए। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी? अब ध्यान लीजिएगा, यहाँ पर शुरुआत में 160 रुपया लिखा है और फिर आपका 96 रुपये में बेचने की बात कर रही है, तो ये आपका क्रम थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो आप क्या करिएगा, रुपया इसके लिए भूल जाएगा, इस प्रश्न में रुपया भूल जाएगा, यानी कि 160 और 96 थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो हम इस प्रश्न को वस्तुओं के व्यापार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वस्तुओं का व्यापार जो होता है उसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं रुपये को भूल कर। बाद में जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो रुपया हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अभी बस आप इतना सोचिए कि वस्तुओं के व्यापार के हिसाब से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है, इसलिए हमने ये रुपया जो है दोनों कैंसिल आउट कर दिया है। आप ऐसा समझिए कि 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी, ये आप समझिए। 160 रुपया और 96 रुपया थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज कितनी होती है? 100% होती है। हाँ, वस्तुओं के व्यापार, अच्छा, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे बढ़े। पहले में क्या कर रहा है, पहली कंडीशन में, इसमें पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन लगा लो, इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लगाने से बात नहीं बनेगी। ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन लगा दो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ लगाने से बात नहीं बनेगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं और ये सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं। ध्यान समझिएगा, कोई भी वस्तु 100% होती है, तो जब 20% की हानि होगी पहली कंडीशन में, तो उस वस्तु का जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो 80% होगी। दूसरी कंडीशन में 20% का लाभ कमाना है, तो कोई भी चीज 100% होती है, 20% उसका प्रॉफिट होगा, तो उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी 120% होगी। अब अपने काम की बात पर आते हैं। सॉरी, काम की बात ये है कि जो वस्तुओं का व्यापार होता है वो रुपए के व्यापार का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि उल्टा होने का मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 90 चॉकलेट हमारी फर्स्ट कंडीशन के दिया गया है, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी सेकंड कंडीशन में चली जाएगी। जैसे कहने का मतलब, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, तो हमारा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये होता है रुपए का व्यापार और ये होता है वस्तुओं का व्यापार। तो रुपए के व्यापार में वस्तुओं के व्यापार में अंतर क्या होता है? जो रुपए का व्यापार होता है, जिसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वस्तुओं के व्यापार में, वो सेलिंग प्राइस बन जाता है, और रुपए के व्यापार में जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपको समझना है, तो मान लीजिए कोई 100 रुपए की वस्तु लाते हैं, जब उसमें 120 रुपए बेचेंगे तब उसका प्रॉफिट होगा। ठीक, लेकिन अगर हम लोग 100 वस्तु लाते हैं, रुपए की बात नहीं है, वस्तु लाते हैं, 100 वस्तु को 100 से कम में बेचेंगे, यानी कि मान लीजिए 80 वस्तु में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वस्तुओं को जब कम बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, रुपए को जब ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। इसलिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिया है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के हिसाब से प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो 90 चॉकलेट हमारा फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू थी, रुपए का व्यापार है इसलिए चेंज हो जाएगा, तो ये सेकंड कंडीशन की वैल्यू यहाँ पर रहेगी। और फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू, यानी कि हमें सेकेंड कंडीशन की वैल्यू निकालना था, सेकेंड कंडीशन 120 सॉरी 20% का लाभ लेकर वो कितनी चॉकलेट बेचेगा, ये सेकेंड कंडीशन वाला निकालना था, क्योंकि ये बदल गया है, तो अब हमें फर्स्ट कंडीशन वाला निकालना है। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ पर हम लोग वस्तुओं का व्यापार वाला फार्मूला, आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, अपना बाहुबली मेथड लगाते हैं, उसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, 90 चॉकलेट है, 90 चॉकलेट की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 120% है। ठीक है, हमें कितना निकालना है? बाद में जो बेच रहा है, बाद मतलब पहले वाला हमें निकालना है, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 80% है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कुल कितनी चॉकलेट बेचेगा निकल के आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 0 0 कटा, 4 2 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3 3 का आपका 9 हो गया, और 3 2 6 हो गया।
यानी 60 चॉकलेट वो बेचेगा। ठीक है, अब कहाँ लिखे, जगह तो बची नहीं। चलो अभी थोड़ा सा बचा, अभी खत्म ना हुआ है प्रश्न, अभी तो समझाने में ही आपको समय लग गया था। अब बचा है, अब रुपए को इंक्लूड करो। हमने ये प्रश्न जो है 160 रुपए के हिसाब से किया है, 96 रुपए उसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो प्रश्न को 160 रुपए के हिसाब से करेंगे, यानी कि वो जब बेचेगा तो 160 चॉकलेट बेचेगा, तो 160 रुपए में, 160 रुपए में कितना बेच रहा है, 60 चॉकलेट बेच रहा है। तो हमें 160 के हिसाब से नहीं निकालना है, हमें 96 के हिसाब से निकालना है। तो 96 रुपए में वो कितना बेचेगा ये हमें निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होगा एक नियम वाला प्रश्न, 60 ऊपर लिखते हैं और इसमें 96 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे रहेगा आपका 160। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 16 5 80, 16 6 96, 6 और 6 का मल्टीप्लाई होगा, इधर लिख देते हैं आपका 36 आंसर आ जाएगा। तो 36 यहाँ पर विकल्प भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 160 के हिसाब से वो 60 चॉकलेट बेचता था, तो 96 रुपए में कितना बेचेगा, 96 रुपए में 36 बेचेगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। आगे बढ़ते हैं, देखो कितना आसान सवाल है। अमित एक बस 15% हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है और 10% लाभ कमाने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना होगा। अच्छा चलो, कोई भी चीज कितना होता है भैया, 100% होती है। अगर वो 15% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, 85%, और 85% की वैल्यू दी गई है प्रश्न में 23,800। आसान प्रश्न है, 15% लाभ कमाना, उसे कोई भी चीज 100% होती है, 15% लाभ कमाने के लिए उसे 115% में बेचना पड़ेगा। 115% की क्या वैल्यू होगी ये हमें निकालना है। अपना पुराना भी हिसाब किताब सा मेथड लगाते हैं, जो वैल्यू दी गई है उसे नीचे ऊपर लिख लेते हैं 23,800, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 85%, इसे नीचे लिख लेते हैं, जो निकालना है उसका गुणा कर देते हैं, निकालना कितना है 115% की वैल्यू निकालना है, इसे गुणा कर देते हैं और आराम से सॉल्व करेंगे, प्रश्न का आंसर हमें आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल करो तो 5 एकम 5 और 5 सत्तम 35 हो गया, और इधर 5 से 5 10, 5 15, 17 से कैंसिल आउट करते हैं, 17 एकम 17 पहुंचेगा, 17 चौके 68। हाँ ठीक है, यहाँ पर 0 बचा, बस आंसर आ गया है 14 2 28, 14 42 से 2 हाथ से लाएगा कितना 4, और 14 2 28 और 4 हो जाएगा 32। तो कहाँ है भैया, 32,200, 32,200 कहाँ पर है, 32,200 ये है विकल्प डी में, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो भैया आज की प्रश्न तो खतरनाक लेवल के थे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। 10 प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार जब तक आपका पेपर नहीं होगा, रोज शाम को 7 बजे आप मिलेगा, इसी प्रकार के हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहेंगे, रोज आपका कोई ना कोई नए नए तरीके आप सीखेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और इस प्रकार अगर रोज आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपका गणित जो है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पर फिर ये आप ये मत कहिएगा कि हमारी गणित कमजोर है, हमें नंबर नहीं आता, ये बहाना नहीं चलेगा। अगर सरकारी नौकरी आपको लेना है तो भैया गणित आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान के लोगों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।